क्या कहते हैं वो नमकीन पापड़ अच्छा वाला। आजकल तो वैसे भी फास्ट फूड ज्यादा चल रहा है। अब फास्ट फूड वैसे भी खतरनाक है, पिज्जा वगैरह में बहुत सारा नमक होता है जी, और चटनी कई तरह का सबके सब सॉल्ट से भरे होते हैं, सबके सब सॉल्ट से लेस होते हैं, वो लेस वगैरह जो भी होता है उसमें तो पूरे ही बड़ा सॉल्ट ही होता है। जैसे उसको शराब नहीं पीना, स्मोकिंग नहीं करना, वजन कम करना, डायबिटीज कंट्रोल करना है ना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, और इन चीज़ों को कंट्रोल करके अगर जैसे डॉक्टर ने बताया कि एक किलो के पीछे दो मिली मर्करी प्रेशर कम होता है, कोई 100 किलो का आदमी अगर वो 30 किलो अपना वजन कम कर लेगा हो सकता है दवाई बंद हो जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट वो अलग चीज़ है। पर एक बार बीपी आने के बाद में आमतौर पर ये माना जाता है कि आपको दवाई ताउम्र खानी पड़ेगी। तो अभी वो JNCA की हिसाब से चार ही वो क्लास ऑफ ड्रग्स रिकमेंडेड है हाइपरटेंशन के लिए। एक तो ARB जैसे आपने बोला ओल्बिसर्टन जो सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होता है, टेलमिसर्टन, दूसरा AC इनहिबिटर, और तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और चौथा है डायुरेटिक। इन चारों क्लास के अलावा मतलब ये तो थोड़ा टेक्निकल है, इन चारों क्लास के अलावा और कोई भी हम क्लास इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बहुत ही मतलब गलत जो ट्रेंड मैंने देखी है, मतलब बहुत साल से देख रहा हूँ, कि वो बीटा ब्लॉकर एक चीज़ होती है उसको भी ऐड कर देते हैं हाइपरटेंशन में। अभी आजकल वो JNC7 में पाया गया कि बीटा ब्लॉकर ऐड करने से अपने को ये क्या कहते हैं फालिस वगैरह हो सकता है, फालिस हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। तो मतलब ये चार मेडिसिन के अंदर ही आपको ट्रीट करना है उसको। देखिए सब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, सब जगह दवा का तो थोड़ा साइड इफेक्ट रहता है इसमें, हर दवा का साइड इफेक्ट रहता है, पर वो ब्लड प्रेशर का साइड इफेक्ट उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर दवा का साइड इफेक्ट आप मान लिए 1% है, ब्लड प्रेशर नक कंट्रोल करने का साइड इफेक्ट 100% है, 120-80 से ऊपर नहीं होना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मल जब होता है जब किसी को लकवा मार जाए या हार्ट अटैक पड़ जाए तब खून पत्ते की दवाई दी जाती है, तब तो मैंडेटरी जाती है, पर विदाउट दैट कोई इंडिकेशन नहीं है। प्रत्येक इसमें सैर जरूरी है, सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो पहला स्टेप है, वो करने के बाद ही बीपी की दवाई चालू करी जाती है। पहले हम ये रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट जो भी उसके वो खुद कम कर सकता है, कोई सॉल्ट कम कर सकता है, वजन कम कर सकता है, सैर कर सकता है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, उसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हमारा पहला स्टेप वही होता है, हम पेशेंट को समझाते हैं, उसको मौका देते हैं महीने दो महीना, पेशेंट उसको लागू करने के बाद में वजन उससे कम होता है तो हम अवॉइड भी करते हैं दवाइयाँ, ठीक है, वो तो बहुत ही जरूरी है। ये हाइपरहिड्रेमिया में जो होता है खास तौर से वो एल्डरली पेशेंट्स में होता है, और एक डायोरेटिक क्लास का ड्रग होता है जो हाइपरटेंशन के रिकमेंडेड सेट में आता है। वो डायोरेटिक क्लास का ड्रग जब स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स को देते हैं उसमें सोडियम काफ़ी कम होने की जाहिर बहुत जाहिर है कि बहुत कम हो जाएगा सोडियम, और सोडियम जब कम होता है तो आदमी का पूरा वो मतलब मेडिटेशन पूरा चेंज हो जाता है, उसका पूरा वो कॉन्शियसनेस और जो है होश है पूरा बदल जाता है, और कई बार पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। तो मेरे लिए बस मेरा एक राय होगा कि जो एल्डरली पेशेंट होते हैं मोर देन 60-70 उनको डायोरेटिक क्लास से थोड़ा दूर रखना अच्छा रहेगा। आपने एकदम बहुत अच्छा से सवाल पूछा है। उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से काफ़ी लो है, उनके लिए आपको देखिए अभी आजकल ये बोल रहे हैं कि 90 तक कुछ लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने नेचुरली ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, उन लोगों का बहुत ही बेनिफिट है हेल्थ पे, क्योंकि देखिए उतना प्रेशर उनका कम हो रहा है बॉडी में, ब्लड प्रेशर जितना हाई रहेगा उतना प्रेशर आपको पूरा शरीर में होगा, आपके सारे नसों में होगा, हर जगह में आपको प्रेशर का असर दिख जाएगा, दिखना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने बोला है पहला असर जो होता है वो आर्टरीज काफ़ी स्टिफ हो जाता है, रिलैक्सेशन पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाता है, जो उनको मतलब आराम करने का जो पोटेंशियल होता है रिलैक्सेशन पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी बात जो है वो आर्टरीज के दीवार में जो है पूरा वो चर्बी बना रहता है, वो दूसरी बात है, और तीसरी बात है कि वो आर्टरीज पूरा फुल जाते हैं और वो रप्चर कर जाते हैं, तो मतलब वो तो कैटास्ट्रॉफिक होता है। तो ये तीन चीज़ें हाइपरटेंशन का बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। एक जाहिर है कि मतलब जब ब्लड प्रेशर कम होगा उतना फ़ायदा मिलेगा, मतलब विदाउट पेशेंट इज नॉर्मल बहुत सारे लोगों को 90 ब्लड प्रेशर उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। लो होने की स्थिति में लो मतलब वो तो देखिए पेशेंट का सिम्टम सबसे अहमियत रहता है, ज़्यादातर पेशेंट एसिम्टोमेटिक पेशेंट को अगर लियो लो भी कुछ करना ही नहीं चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि मतलब आपका ब्लड प्रेशर लो है, आपका मतलब जितना आप ब्लड प्रेशर आपका 90 तक आएगा बहुत अच्छा है आपके। अगर सिम्टम्स जो है पेशेंट को चक्कर आता है, पेशेंट को ज़्यादा सुस्ती होती है, पेशेंट हमेशा सोचता है कि मुझे सोना है, तो ये सब जो है उसके लो ब्लड प्रेशर के जाहिर से साइड इफेक्ट्स है। ऐसे कोई पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तभी अपने को इंटरवीन करना चाहिए कि थोड़ा सॉल्ट इंटेक बढ़ा दो, कोई ड्रग्स वगैरह कुछ ले रहे हो तो मतलब बंद करो, डायबिटिक्स वगैरह।
जितना एज बढ़ेगा उतना क्लॉट की संभावना बढ़ती जाएगी, जैसे जितना एज बढ़ेगा आपका वो मोबिलिटी काफ़ी कम होता जाएगा। जैसे आपको नी पेन है, ऑलमोस्ट 90% लोगों को तो सीवियर पेन, वो चल ही नहीं सकते, जैसे आप जैसे आपने देखा होगा, तो उनका जैसे जो है मोबिलिटी कम होता जाता है, डीवीटी का चांस हाई होता जाता है। वेन्स उनके बीच में दबी रहती हैं, तो जब आदमी चलता है तो पंप की तरह काम करती हैं, इसी डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी जब पेशेंट रहेगा तो उसको ये डीवीटी संभावना बहुत ही कम होती है, बहुत ही कुछ परसेंटेज लोगों में फिर भी हो सकती है, उनके कुछ जेनेटिक या कुछ दूसरी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो होता है, अदरवाइज उनको जो पेशेंट मोबाइल है उनको ये तकलीफ नहीं होती।